राम राम साहब, मैं गौरव मारवाड़ी, स्वागत है तारो हेलो नवलगढ़ पे। और अभी आप पूछा शक्तिपीठ ममाया मंदिर जड़े थे देख सको कि भंडारा को आयोजन करियो जा रही है कैलाश काका की तरफ से। पहली भी लोग वगैरह आता तो बाकी कोई यहाँ सुविधा को नहीं ही, मैं आपके खुद लेकर आता हूँ बट्टी वगैरह जो भी रहे, बट्टी वगैरह राशन वगैरह पे खुद लेके आता। लेकिन अब कैलाश जी काका जी है वे भंडारा को आयोजन करिए है और वो 3 दिवस ही चले है। देख पा रहे हो कि 3 दिन से लगातार चल रही है पूरी 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 और काफी श्रद्धालु जो है तो देख पा रहे हो। दो ठीक बिठा दो, लगातार 2 दिन से चल रही है और आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, ऐ श्रद्धालु की भीड़ जारी रही तो इन्हें और भी आगे बढ़ा दिया जाओ। वो और डेली लगभग 5,000 आदमी भंडारा में शामिल हो रहे हैं। तो देख पा रहे हो कि सभी आपकी सेवा दे रहे हैं। राम राम जी, राम राम राम, राम तो कहाँ को लाग रही है भंडारा में सेवा दे के? दूसरो दिन है लगातार, रात नहीं तो लगभग कितना जना आ रहे हैं भंडारा में? देखो वो आइडिया फिलहाल में लाख कौन सके, बाकी आप लोगों के सामने आ जाएगा मीडिया के सामने सारी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी बहुत शानदार कार्यक्रम है, बहुत घरेलू बैठा के दिमाग मैं से कोई भंडारे का रूप नहीं है, हमारे यहाँ पारिवारिक है, बिल्कुल भंडारा नहीं करते हम। राम राम जी, कहे को लाग रहे हैं जिमा के? बढ़िया फर्स्ट क्लास बूंदिया जी मारे हो, कहे को लाग रहे हैं? एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, मजा आ रही है, माई को एकदम सही प्रसाद लाग रहे, बहुत बढ़िया है, मान आता बढ़िया है, अतिथि देवो भव पाने के लिए, सेवा का मायने कोई कमी अपने लिए, अतिथि देवो भव जो आए हुए हैं वो अतिथि देवो भव वाले, बिल्कुल राम राम जी, बहुत ही बढ़िया काकू जी, बहुत शानदार ही आपने मतलब मातेश्वरी आपने निमित्त बनाया है, माता की कृपा है बना जी। हाँ आप लोग थोड़ी अच्छी है तो पूरी 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 3 दिन भंडारे मूली जी लाग रहे, सेवा तो काका का आदेश है, सेवा करनी तो सेवा करनी है, आदेश है काका, आप मातेश्वरी को आदेश समझो चाहे, हाँ माता का आदेश है, अपन उतने बराबर कारण से हो रही है भंडारे को। बिल्कुल, आज श्रद्धालु से बात करो, कैसा लगा प्रसाद आपको? कहाँ से आए हो? बलंदपुरा का, बाकी दिल्ली दिल्ली चारों मेर हरियाणा यूपी बिहार। देख पा रहे हो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे है, ममाया माता मंदिर में जो आवा है श्रद्धालु, मैं लोग पहला भोजन बनाता आशा पासा मैं चूल्हा में बनाता, अब सामने भंडारा लगा है, भगवान को अभियान दिया है भंडारा में लोग लगा और उनकी श्रद्धा अभियान लोग आपको सहयोग भी करे। देख पा रहे हो कि लगातार श्रद्धालु की भीड़, बोलो आरो क्या सहयोग है भंडारो बढ़िया है एकदम है काकू जी, मैं मतलब यहाँ आम ब्रेड है तो बढ़िया कैलाश जी बोला लाइव चाल रहा, बोलो नामनाशी जी के लिए भंडारा के लिए मातेश्वरी के लिए। देखो कैलाश जी के बारे में तो कह कौन है, तो सेवा भावी आदमी ही तो इनका जन सेवा सौ बढ़िया ही तो कहना ही बनी, और वो जो भंडारा है वो तो आप लोग सब आया कोई सबको सबको सहयोग है सब भैया को, और एक मान कोई को नाम लेनो बेमानी है कि बोकरिया बोकरे है, सबको सहयोग है और बढ़िया महामाया महामाया माई के जो भी हो जो होना चाहिए बताओ। जय महामाया माता की। बिल्कुल, ये नवलगढ़ के चेयरमैन कैलाश जी चौकिया और उनके सब सहयोगियों की तरफ से आने वाले महामाया मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए गत 5 वर्षों से ये सुविधा मुहैया कराई गई है, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि यहाँ हर रोज बदल बदल के मेनू तैयार किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि सबको
बुला करके बड़े सम्मान से बैठा करके और उनको भोजन आदि की व्यवस्था की जाती है। पूरी मेनू में हर तरीके की एकदम बढ़िया व्यवस्था रहती है। मैं कैलाश जी चौटिया और उनकी टीम को सबको बधाई देना चाहूँगा। एक ऐतिहासिक नवलगढ़ में ये 5 वर्षों से सुविधा, बहुत बहुत धन्यवाद महामाया शक्तिपीठ के लिए। जय हिंद, जय भारत। अति श्रद्धालु की भीड़ जो है उमड़ रही है भंडारा में, अभी के लिए कुछ कहना चाहूँगा। ये जो भंडारा जो हो रहा है, जब उतो ने भविष्य थी ऐसा भंडारा आस पास में देखने को भी मिल रहा है। बाहर से जितने भी आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, देश देश अंतर से यात्री आते हैं और वो इस माई के दरबार में आकर कृत कृत संकल्प हो जाते हैं। पिछले 5 सालों से कैलाश जी चौटिया या समाज सेवी है और तहे दिल से दोनों समय और भोजन की उनकी व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं और भगवान ऋषि आते हैं तो सफल करे आगे और ज़्यादा प्रफुल्लित हो। बिल्कुल इसी कार्य के साथ को आपका विचार प्रकट कर रहा हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। आपकी दुकान सामान आते हैं, रात को 12 बजे फोन करते हैं ना, तो दुकान खोल कर सामान लेते हैं और अभी भी सामान गाड़ी भर के ले, सामान गाड़ी भर के ले। तो ये तो क्या, 6 साल पहले मैं रणवीर जी पारिक और महेंद्र जी शराब ये यहाँ तीनों बैठे थे, तो यहाँ पर जो यात्री आते थे बहुत परेशान होते थे, यहाँ पर खाना बनाते थे अपना, बहुत दिक्कत होती थी। हमने तीनों ने तय किया कि अब की बार अगली साल से अपने यहाँ पर भंडारा रहे, जो अपने जो नवगढ़ महाशक्ति पीठ के जो भक्तगण आते हैं अपना दहे, तो मनता को परेशानी नहीं हो, तो हमने तीनों ने मिलकर भंडारा लगाया। उसके बाद में हमारे पिछले साल जुड़े पवन जी आवड़ा वाले शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े और अब की बार DPS स्कूल के बनवारी जी रणवा जी बोले मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो वो भी उनका भी पूरा हमारे को सहयोग है। तो ऐसे मिल करके और पूरी नवगढ़ की जनता का ही हमारे को पूरा सहयोग रहता है। सभी आपके सामने यहाँ पूरे नवगढ़ की जनता सब सेवा करती है, तो माता रानी को ये कहता हूँ मतलब सहयोग में मोटा मोटा 3 नाम बताया था, एक तो थे होगा, एक अनिल जी पारिक बिला जी, एक महेंद्र जी खराब हो गए और एक पवन जी शर्मा आंवले वाले वाला जो अहमदाबाद रहते हैं, नया जुड़े हैं, एक DPS स्कूल के बनवारी जो 5 दिन हो गए और पूरा नवगढ़ आपके सामने है सभी का, और तो सहयोगी में होगा, सब सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर, सब यहाँ पर आपके सामने कर रहे हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा अच्छा, जो आने वाले को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो ऐसा काम हम करेंगे। तो माता रानी की कृपा रही तो हम हर साल ये काम बहुत बढ़िया। और मैं हेलो नवगढ़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप 3 दिन हो गए पूरे कवरिंग कर रहे हैं, उसके लिए पूरे गौरव ऐसे लाग रही है, पूरी टीम लाग रही है, हिंदुस्तान वाले हेलो नवगढ़ का धन्यवाद देते हैं कि नवगढ़ की खबर हमारे को वहाँ बैठे हुए मिल जाती है देश विदेश में हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, हेलो नवगढ़ के लिए भी हम विक्रम जी का, गौरव जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे हो भीड़ थे, देख पा रहे हो कि बसा भी मतलब खड़ी हो रही है, तो बस वगैरह की भीड़ थे देख सको, और देख पा रहे हो लगातार भीड़। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बसा भी तो देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, पूरी बसा भर भर के आ रही है। बच्चे की तरह बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप नौकरी हो पूरे देश विदेश के अंदर आपने ना खबर देते हो। माता की जय, सबको कल्याण करे माता श्री, हमारे नौगढ़ के ऊपर कृपा बनाए रखे, हमारे नौगढ़ सब सुखी रहे,
ये माता रानी से हम प्रार्थना करें। और काका जी पे भी बनावे, काका जी इच्छा पूरी करे, बहुत बहुत धन्यवाद।